नमस्कार, सुबह के 9 बजने जा रहे हैं, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। सीएम योगी की सख्ती का असर देखने को मिला, जो कि पीडब्ल्यूडी के 106 जेई डिमोट कर दिए गए हैं। दरअसल रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट में यह पाया गया है कि फर्जी डिप्लोमा दिखाकर ये सभी जेई के पद पर जो है प्रमोट किए गए थे, लेकिन 2013 में जिस तरीके से इनको प्रमोट किया गया उसके बाद रिव्यू कमेटी की जो बैठक हुई, जिसके बाद जो उनका रिव्यू सामने आया, उसके बाद ये सामने आया है कि फर्जी डिप्लोमा के आधार पर, अवैध डिप्लोमा के आधार पर इन सभी को प्रमोट किया गया, जिसके बाद सख्ती दिखाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी को जो है फिलहाल डिमोट कर दिया है। 106 जेई है, 2013 का ये पूरा मामला है, जिस वक्त प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी उस दौरान ये सब कुछ हुआ है, और उसके बाद जो है अवैध तरीके से अवैध डिप्लोमा इन सभी ने दिखाया और बाबुओं को जो है जेई बना दिया गया अवैध डिप्लोमा दिखाकर। तब से लेकर अब तक ये उस पद पर काबिज थे, लेकिन अब जो है सभी को डिमोट किया गया। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। अजीत, 2013 का मामला आज जाकर इस पर से पर्दा उठा है और अब जो है सभी को डिमोट कर दिया गया, और आगे किस तरीके से कार्रवाई होगी? देखिए बिल्कुल सपना, ये बड़ी खबर है। 106 जेई यानी जूनियर इंजीनियर लोक निर्माण विभाग के, जिनका पदोन्नत कर दिया गया था एई के पद पर यानी अवर अभियंता के पद पर, और उन्हें तैनाती भी दे दी गई थी 2013 में जब सूबे में अखिलेश यादव की सरकार थी। उसके बाद 2017 में इसकी एक जांच इंक्वायरी पुटअप हुई, बकायदा रिव्यू कमेटी बनाई गई, रिव्यू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की। रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट में पाया गया कि ये पदोन्नत गलत है, यानी इसके पीछे के जो मंशा थी वो ठीक नहीं थी। ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास गई और कल देर शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ उस पर फैसला लेते हुए इन सभी को मूल पद पर, यानी जो जूनियर इंजीनियर का पद था, जेई का पद था, उस पर वापस कर दिया गया, और बकायदा इसकी रिपोर्ट जो है वो आयोग को भी भेजी गई है। तो बड़ी सख्ती दिखाई गई और एक बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि आपको अगर नियम विपरीत आपको पदोन्नत दे दिया जाता है तो जो आपके साथ के लोग हैं, उस बैच के लोग हैं, और लोग हाई कोर्ट भी चले जाते हैं। पीडब्ल्यूडी के कई सारे ऐसे मामले हैं जो अवर अभियंता यानी जो एई हैं, उनके मामले भी जो कोर्ट में चल रहे हैं, जिसकी वजह से अधिशासी अभियंता नहीं बन पाए। तो सीएम ने बड़ी कार्रवाई की है, 106 जूनियर इंजीनियरों को जो प्रमोट हुए थे उनको डिमोट कर दिया है, उनके पद पर वापस भेज दिया। सपना, दो सवाल महत्वपूर्ण खड़े हो जाते हैं। पहला सवाल, 2013 से लेकर अब तक जो है किसी की नजर इन पर नहीं पड़ी, पहला सवाल, और तब अखिलेश यादव की सरकार थी, अखिलेश यादव लगातार सवाल खड़े करते रहे। दूसरा बड़ा सवाल है कि 106 पदों पर जो ये जेई थे, अब जब इनको डिमोट कर दिया गया है, अब जो ये 106 पद रिक्त होंगे, इनके लिए आगे कैसे जो है इनको भरा जाएगा, इनके लिए कैसे काम किया जाएगा? देखिए बिल्कुल, पहला तो जो पहला सवाल सपना था उसका जवाब दे देता हूँ। अखिलेश यादव की सरकार में इनको प्रमोट किया गया था, डिप्लोमा डिग्री के आधार पर किया गया था, तो कार्रवाई नहीं होनी थी उस सरकार में। बाद में उस पर जांच पुटअप हुई, रिव्यू कमेटी को सब कुछ सच सामने लाया गया, रिव्यू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और अब ये कार्रवाई हुई कि उनको डिमोट कर दिया गया। दूसरे सवाल का जवाब कि इन पदों को भरा कैसे जाएगा, तो जो यही हैं उनको 30 जून के पहले ट्रांसफर सेशन होता है, जो वहाँ पर तैनात उस खंड में जो तैनात अधिकारी हैं, एक्सीएन है, अवर अभियंता, उनको चार्ज दे दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर इन पदों को भी भरा जाएगा और नए तबादले में उन जगहों पर। ये जो 106 पद हैं अजीत, जिस तरीके से इनको डिमोट किया गया है, ये एक संदेश भी है कि अगर यहाँ कार्रवाई हो सकती है तो कहीं और भी कार्रवाई हो सकती है। लौट रहे हैं आपके पास में एक और बड़ी खबर, उसके बाद